काम में मुझे अक्सर थोड़ा मैं भूल जाता हूँ कि जो पेन है या जो भी तकलीफें हैं वो मैं भूल जाता हूँ। ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज जितने लोगों ने भी फ़ोन किया और जितने लोगों ने भी बात की उन सबको बहुत अच्छा लगा। विद्या जी की जो पहली फिल्म जो है वो तो आज भी मेरे जहन में इतना अच्छा काम किया था उन्होंने। नहीं देखिए, मैं मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि अगर मैं शूटिंग नहीं करूँगा और घर में रहूँगा तो ये जो मेरी फ्रैक्चर हुआ है मेरा और जो ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, ये मुझे और तकलीफ देगी। क्योंकि काम में मुझे अक्सर थोड़ा मैं भूल जाता हूँ कि जो पेन है या जो भी तकलीफ़ है वो मैं भूल जाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है सेट पे। अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई आपका सबसे पसंदीदा लोकेशन क्या है तो वो मैं कहूँगा कि वो सेट है, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ वाला हो, तो बहुत मुझे मज़ा आने लगता है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत मेरा सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, एक प्लान किया हुआ था कि फ़िल्म रिलीज़ करनी है अपना दिवाली में, ये 1.5 साल पहले हमने सब ने प्लान किया था। और मुझे लगा कि इतने सारे लोगों की प्लानिंग और सिर्फ एक वजह कि भाई मेरा फ्रैक्चर हो गया है और उसकी वजह से फिल्म जो है डिले हो जाए या हम रिलीज़ ना कर पाए उस वक्त पर, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने डॉक्टर्स का कहा नहीं कि सर मुझे तो करनी है शूटिंग, अब आप लोग देखो मुझे कैसे करनी है। तो व्हील चेयर पर मैं था, 2-3 लोग मेरे साथ थे, व्हील चेयर लेके जाते थे। बीच में जो शूटिंग थी कुछ थर्ड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर थी, वहाँ तकलीफ होती थी क्योंकि व्हील चेयर नीचे रखनी पड़ती थी। हाँ, तो 2-3 लोग मुझे अपने कंधे पर उठाते थे, जाते थे, तो उसका भी मज़ा ही रहा। बट व्हील चेयर पर भी मैं, मतलब आधी पिक्चर तो उसी में निकल गई व्हील चेयर पर। एंड उसके बाद फिर मैं क्लचेस पे था, बट मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो मेरी रिकवरी हुई है वो बहुत जल्दी जो रिकवरी हुई उसकी शायद वजह यही थी कि आई वाज शूटिंग। वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। एंड एक्चुअली वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज जितने लोगों ने भी फ़ोन किया और जितने लोगों ने भी बात की उन सबको बहुत अच्छा लगा। एंड टच वुड, ऐसे ही आगे लोगों का प्यार मिलता रहे हमें। सेकेंड में जो अपना तबूजी हैं, तबूजी ने जो काम किया था कितना बेहतरीन काम किया था। शी इज सच अमेजिंग पर्सन एंड क्या एक्ट्रेस है वो। लेकिन जो फिल्म का एंड था वो उस जगह किया था कि वो चाहकर भी हम लोग तबूजी को ला नहीं सकते, तो वो कैरेक्टर जो है वहाँ, और ये नई फिल्म थी और नए कैरेक्टर थे, तो इसमें मंजुलिका भी कुछ नई आपको दिखाई देगी। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑलवेज विद विद्या जी, बिकॉज क्या है, विद्या जी की तो पहली फिल्म जो है वो तो आज भी मेरे जहन में इतना अच्छा काम किया था उन्होंने। एंड नॉट ओनली दैट फिल्म, मैंने जब भी उनकी कुछ फिल्में देखी हैं, शी वर्क वेरी, बहुत अच्छा काम करती है, तो मुझे तो काम करना ही था। एंड मतलब जब हमको उन कहानी सुनाई उनको, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थी, तो वो एक अच्छा हो गया। एंड अभी तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी कि भाई विद्या जी काम करें, इसलिए कि वो मुझे लगता है बहुत लोगों को चौंकाएंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत डिफिकल्ट होती है ना अपना, क्योंकि क्या है कि जब आप पार्ट 2 या पार्ट 3 बनाते हैं तो लोग एकदम नई फिल्म भी नहीं चाहते हैं कि भाई जो आपकी पुरानी फिल्म है जो लोगों को बहुत पसंद थी उसका कुछ भी नहीं है उसमें, और बिल्कुल वैसी भी नहीं चाहते हैं कि भाई ये तो हमने सब देखा हुआ है उस पहले वाली फिल्म में। तो वो कुछ उस तरह आपको बनाना होता है कि पहली फिल्म जैसी नहीं लगे और पहली फिल्म जैसी हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो वो इतनी अलग भी नहीं हो सकती कि वो लगे ही नहीं, और इतनी सिमिलर भी नहीं हो सकती कि वही लगे। तो आई थिंक वो एक बहुत मुश्किल काम है, एंड इसलिए मुझे ऑलवेज लगता है कि फ्रेंचाइज को आगे ले जाना इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। मैंने सुना है बहुत लोगों के लिए, इनके लिए, माधुरी जी के लिए, और कई और 3-4-5 नाम आए थे, तो मुझे लगता है कि ये सस्पेंस फिल्म है, तो अभी ये 1 तारीख तक वेट करना चाहिए हमें, 1st of November, एंड वो सारे जवाब मिलेंगे। बट इतना ज़रूर है कि यस, लोगों को खुशी होगी देख के, ऐसा मुझे फील होता है, एंड लोग चौंकेंगे भी और लोग देखेंगे कि हाँ ये क्या है। नहीं, मैंने कभी भी जॉनर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, इसलिए कि मुझे लगता है कि आई एम वेरी कम्फर्टेबल विथ द कॉमेडीज ऑल्सो। आई मेड वन सस्पेंस थ्रिलर, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे बनाने में, बहुत मज़ा आया था मुझे। मुझे बेसिकली कि मैं इंजॉय क्या कर रहा हूँ, मैं रोमांटिक फिल्म बनाई थी प्यार तो होना था, वो भी मैंने बहुत इंजॉय किया था, बहुत अच्छी चली थी फिल्म। एंड अभी जब मैंने भूल लिया 2 बनाई, तो वो मेरी पहली टाइप की, मतलब 1st हॉरर फिल्म थी। तो मुझे लगता है जॉनर जो है उसके अंदर आपको ढालना होता है, और ये एक, मैं एक ही ये चीज़ बना सकता हूँ ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। मुझे लगता है मैं साइंस फिक्शन भी बना सकता हूँ, मैं कोई हिस्टोरिकल फिल्म भी बना सकता हूँ, मैं बायोपिक भी बना सकता हूँ, मैं अपना सस्पेंस भी बना सकता, मतलब जो जॉनर्स हैं, बस मुझे फिल्में बनानी है और उसी में रहना है और खुश रहना है और अच्छी फिल्में बनानी है। फिल्म देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, मज़ा आएगा, पूरी कोशिश की है दोस्तों। एंड
ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये जो फिल्म आकर देख रहे हैं उसमें हमें अब इंजॉय करेंगे, फिल्म बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।